अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद, इतना तारीखी वोट पड़ने के बावजूद आज इतनी बेबस है, इतनी बेबस है कि एक जलसा भी नहीं कर सकती। और मजहर अब्बास साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने दावा किया है, बल्कि एक फॉर्मूला शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई अगर ये काम कर ले तो पीटीआई अपना मैंडेट भी वापस ले सकती है और पीटीआई इमरान खान साहब को रिहा भी करवा सकती है। वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और वो कौन शख्सियत हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि यार ये तो मेरी बात भी नहीं सुनता, यानी पीटीआई के अंदर ही एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो मेरी भी बात नहीं सुनता, यानी कि इमरान खान साहब से ज्यादा पावरफुल कोई बंदा है और वो पीटीआई में मौजूद है, और खान साहब अगर ऐसी बात है तो निकाल क्यों नहीं उससे पा रहे। इस हवाले से दोस्तों बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो शेर अफजल मरवत है वो गद्दार है या वफादार है, और इस मौजूदा सिनेरियो में शेर अफजल मरवत साहब को कहां रखा गया है और शेर अफजल मरवत साहब को कहां होना चाहिए और शेर अफजल मरवत क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्यों उनको कोई रोल नहीं प्ले करने दिया जा रहा। ये सारी चीजें जब आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो आप सुनकर हैरान होंगे और चौंक जाएंगे कि आखिर इमरान खान साहब के साथ ये पीटीआई के अपने लोग कर क्या रहे। सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूं हैं, जो मजहर अब्बास साहब ने भी जो बात शेयर की है और जो बात मैं 12 दफा आपके साथ शेयर कर चुका हूं वो ये है कि इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, जब से जेल में गए हैं या जेल में जाने से पहले, बल्कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब से इनकी हुकूमत गिराई गई, बल्कि इन्होंने असेंबलियां तहलील की और फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के ज्यादातर मामलात जो है वो वुकला के हाथ में दे दिए, वुकला के हाथ में दे दिए। और वुकला में हामिद खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो जनाब बार के हवाले से, बार की सियासत के हवाले से जनाब उनका एक बड़ा नाम है और उनकी बड़ी पोजीशन है। और जनाब खान साहब ने ये सोचकर और ये कहकर हामिद खान साहब को सियासत में शामिल किया था, पार्टी में शामिल किया था कि जनाब हामिद खान साहब अगर कल को कोई मामला बनता है, कोई हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो हामिद खान साहब एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान के वुकला को इकट्ठा करेंगे और कोई वुकला तहरीक भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी इनको सपोर्ट मिलेगी। यह खान साहब का प्लान था और इस प्लान के तहत खान साहब ने हामिद खान साहब को पार्टी में शामिल किया। ये सारी कहानी है वो है जो शेर अफजल मरवत साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये मरवत साहब ने कहा है कि ये खान साहब के एग्जैक्ट अल्फाज हैं, तो खान, लेकिन हामिद खान साहब ने, खान साहब गिरफ्तार हो गए और इलेक्शंस हुए 8 फरवरी 2024 को, वो इलेक्शन में इनसे मैंडेट छीन लिया गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई वुकला तहरीक नहीं चली और खान साहब बारह कह चुके हैं कि भाई तहरीक चलाओ, प्रोटेस्ट करो, अलीमा खान साहिबा के जरिए मैसेज दे चुके हैं, लेकिन मामला बिल्कुल ठंडा है। अच्छा जनाब, ऐसे में शेर अफजल मरवत जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब को बिल्कुल खुंडे लाइन लगा दिया गया, इवन यहां तक कि उनकी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का मतलब ये होता है कि आप अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, यानी आप इस वक्त एमएनए तो हैं लेकिन तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, किसी मामले में आप कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। और पार्टी रुकनियत अगर मुअत्तल हो जाए तो यूं समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट उसको पार्टी से निकाल दिया गया, यूं समझ लीजिए कि वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी होती है। तो ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब को तो खुंडे लाइन लगा दिया गया है, इसके बावजूद मरवत साहब कहते हैं कि भाई आप सारे मामला खुद संभालो, मुझे जस्ट तहरीक का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। अच्छा, मजहर अब्बास साहब ने ऐसे में कहा है, कहते हैं कि
पीटीआई का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पीटीआई के जो लोग बाहर हैं, जो कर्ता धर्ता बने हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, आज भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो बात असल में हुई थी कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात का पैगाम भेजा है तो पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात अगली जानिब से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, मुज़ाकरात हो पाएंगे, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। उस हवाले से मजहर अब्बास साहब ने कहा कि देखें जी, अगली जानिब से रिस्पॉन्स लेने के लिए या अगली पार्टी को मजबूर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जनाब उनको तिगनी का नाच नचाएं, पार्लियामेंट के अंदर इतना प्रेशर डालें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपके अपने मसाइल चल रहे हैं। तो दूसरा ये है कि आप सड़कों पे निकलें, प्रोटेस्ट करें, आप प्रोटेस्ट के जरिए, धरनों के जरिए जो आप प्रेशर बिल्ड करें, आप पब्लिक में निकलें, पब्लिक को निकालें। तो लेकिन पीटीआई थ्रू आउट जो है डे वन से जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं पब्लिक को निकालने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी को वोट पड़ा है इसमें पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का कोई रोल नहीं है, वो रोल है सिर्फ इमरान खान साहब पर होने वाले मजालिम का, इमरान खान साहब पर होने वाली सख्तियों का। उसके रिएक्शन में अवाम ने वोट दिया है, खुद से दिया है, इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो ऐसे में जनाब वो कहते हैं कि जनाब इनसे 8 फरवरी को इनका मैंडेट छीन लिया गया, ये चाहते तो ये प्रेशर बिल्ड करते और इतना बिल्ड करते कि इनका मैंडेट इनको देने पर सिस्टम मजबूर हो जाता, ये इतना प्रेशर बिल्ड करते कि जनाब इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो जाते, ये इतना प्रेशर बिल्ड करें कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस वक्त मामला सारा रिलैक्स है, ये लोग, इनको इजाजत नहीं मिल रही जलसे करने की, प्रोटेस्ट करने की, और जब इजाजत नहीं मिलेगी तो ये क्या प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और फिर मजहर अब्बास साहब ने ये भी कहा है कि भाई इमरान खान को निकालने का और ये सारा करने का फॉर्मूला एक ही है कि आप पब्लिक में निकलें, पब्लिक को बाहर निकालें, प्रोटेस्ट करें, इन पर प्रेशर डालें, तो ये मजबूर होकर जो है ये किसी टेबल पर आपके साथ आएंगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस बात को सेकंड किया है, उन्होंने कहा कि जी देखें, अगर इजाजत लेके धरने करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं, तो फिर इससे बेहतर यही है कि सुलह ही कर ली जाए। तो मरवत साहब ने कहा कि जनाब एक वक्त था जब खौफ के बादल छाए हुए थे, कोई पीटीआई का झंडा उठाने से डरता था, पीटीआई का नाम लेने से डरता था, ऐसे में मैंने, शेर अफजल मरवत ने, पब्लिक में निकलकर पब्लिक को बाहर निकाला है। और उन्होंने कहा कि मुझे भी जलसों की इजाजत नहीं थी, जब इजाजत शुरू में नहीं दी गई तो फिर मैंने इजाजत लेना छोड़ दी, मैंने कोई इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत के मैं बाहर निकला हूं, और मैंने बाहर निकल के जनाब कन्वेंशन किए हैं, मैंने लोगों को इकट्ठा किया है, मैंने लोगों को निकाला है कुहार से कराची तक, पूरा केपी के और फिर सिंध तक वो गए हैं। और वो कहते हैं कि मुझ पर पर्चे भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हमारे कारकुनान भी मरे हैं, तो सब कुछ हुआ, क्रैकडाउन भी हुए हैं, लेकिन हमने ये किया है, और मैंने ये किया है, शेर अफजल मरवत कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने इंतजामिया को जो है वो बेबस कर दिया था, इतने मैंने कन्वेंशन किए, केपीके में किए और फिर सिंध की तरफ गया। और वो कहते हैं मैं पूरे मुल्क में जाना चाहता था, लेकिन फिर इन्हीं लोगों की मिली भगत की इन लोगों ने मुझे वापस बुलवा लिया, बल्कि झूठे सच्चे नोटिसेस भेज के मुझे वापस बुला लिया। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि भाई ये लोग, इनकी अब पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है, हामिद खान साहब को खान साहब ने इस मकसद के लिए पार्टी में शामिल किया था, दूसरे तीसरे लोगों को इस मकसद के लिए शामिल किया था, लेकिन ये लोग, कोई सेनेटर बन गया है तो कोई एमएनए बन गया है, तो अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अब शायद इनकी ये ख्वाहिश है कि भाई ऐसे सिस्टम चलता रहे, अब 5 साल तो हम पूरे करें ना, खान साहब अंदर रहे, खान साहब बाहर आ गया तो फिर हमारी ये खलीफागिरी कहाँ चलनी है, फिर तो हम तो बैक एंड पे चले जाएंगे और खान साहब सामने आ जाएंगे और फिर शायद पॉलिटिकल लोग सामने आ जाएं, हम लोग तो फिर कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मरवत साहब आज भी कहते हैं कि भाई आज भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तंजीमी मामला संभालो, आप इंतजामी मामला संभालो, सारे मामला संभालो, सियासत आप संभालो, मुझे सिर्फ तहरीक की इजाजत दे दो। वो कहता मुझे वसाइल नहीं चाहिए, मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए किसी से,
कोई एनओसी नहीं चाहिए कि मैं इंतजामिया से लूं या किसी से, कि वो कहते हैं कि भाई इंतजामिया परमिशन नहीं देती, ना दे, मैं जलसे करके दिखाऊंगा, मैं धरने दे के दिखाऊंगा, मैं मार्च निकाल के दिखाऊंगा, मैं प्रोटेस्ट करके दिखाऊंगा, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे जस्ट परमिशन दे दी जाए। लेकिन अब पार्टी है, पार्टी में वो कहते हैं कि हामिद खान साहब है जिन्होंने मुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है, और वो कहते हैं शायद वजह यही है कि कहीं शेर अफजल मरवत जो है वो फिर से अवाम को मोबिलाइज ना कर ले। वो कहते हैं मैंने खान से शिकायत की है कि भाई ये मेरे मामलात में रोड़े अटका रहे हैं या ये काम नहीं कर रहे हैं, तो खान साहब ने कहा यार देखो ये तो मेरी भी नहीं सुनता, यानी हामिद खान इमरान खान साहब की भी नहीं सुनता। इसका मतलब ये है कि जो बंदा इमरान खान साहब की नहीं सुनता, इमरान खान साहब के पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरता, तो खान साहब तो बाहर आते ही उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। और खान साहब ने तो जहांगीर तरीन साहब को नहीं बख्शा, अलीम खान साहब को नहीं बख्शा, बड़े बड़े बुर्ज जिन्हें अपने होने पर मान था, जो कहते थे कि हमारे अलावा तो तहरीके इंसाफ चल ही नहीं सकती, जो दावे करते थे कि भाई हमारे अलावा इमरान खान क्या था, इसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, उन लोगों को खान साहब ने निकाल के फेंक दिया, फिर भी पार्टी चलती रही। तो अगर खान साहब की बात नहीं मानते, खान साहब के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो खान साहब तो जेल से बाहर आते ही इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो अगर इनको यह खदशा है तो फिर ऐसे में क्या ये लोग चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए? तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, एक मजहर अब्बास साहब ने फॉर्मूला दिया है, एक मैं फॉर्मूला दे देता हूं। फॉर्मूला दोस्तों ये है कि आप इस वक्त सोशल मीडिया की पावर है पीटीआई की, आपको पता है पीटीआई वाले ये कर सकते हैं, पीटीआई का आम जो वर्कर है वो सोशल मीडिया पर इतना मुतालबा करे, इतना मुतालबा करे इन लोगों से प्रोटेस्ट का और पब्लिक प्रेशर का कि ये लोग भी मजबूर हो जाएं। ये लोग इस वक्त सिर्फ इजाजत के चक्कर में बैठे हैं, और इजाजत किन से ले रहे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने सड़कों पर निकलना है, वो पागल है, वो आपको इजाजत देंगे? यानी आपको इजाजत दें कि भाई आप हमारे साथ हमारे खिलाफ बाहर निकलो, यानी वो लोग बोले कि आ बैल मुझे मार, तो यार ऐसे कौन इजाजत देगा? आप इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, आप बेसिकली टाइम गेन कर रहे हैं। तो पब्लिक को चाहिए, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो ये जो है ये बीड़ा उठा सकते हैं और उनको उठाना होगा, उनको चाहिए कि भाई शेर अफजल मरवत नहीं तो कोई ऐसा और कोई जो सरफिरा हो जो इस टाइप का हो उसको निकालें और उसको फॉलो करें और फिर ये काम करें, फिर ही आपके मुजाकरात कामयाब हो सकते हैं, बल्कि मुजाकरात हो सकते हैं, फिर ही कोई मुजाकरात के टेबल पर आ सकता है, फिर ही कोई प्रेशर में आ सकता है। अदरवाइज किसी के क्या सर में दर्द है, कौन सा हेडेक है कि भाई बैठे बिठाए आप जो बात करें वो मान लें, आप बोले हमारे साथ मुजाकरात करो, वो बोले ठीक है आ जाए जी करते हैं जी बिस्मिल्ला, तो दूसरे फरीक की क्या मजबूरी है कि वो आपके साथ मुजाकरात करे? आपने उनको मजबूर करना है कि हमारे साथ मुजाकरात करो, तभी मुजाकरात हो पाएंगे। और ये फॉर्मूला दिया है मजहर अब्बास साहब ने, और शेर अफजल मरवत जो है वो आज भी तैयार बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से परमिशन लेना चाहता है कि मुझे परमिशन दीजिए और मैं मार्च करूं, मैं प्रोटेस्ट करूं, मैं कन्वेंशन करूं, मैं पब्लिक को निकालूं। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल आपका अपना है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।